नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में। दोस्तों सेक्शन 50 जो है एनडीपीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और इस सेक्शन की कमियों के कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग जो है इस सेक्शन से जो है बाहर आ जाते हैं, यानी इस एक सेक्शन में कन्विक्शन होने से बच जाता है। यानी सेक्शन 50 की कंप्लायंस इतनी ज़रूरी है एनडीपीएस एक्ट के तहत कि अगर इस कंप्लायंस को पूरा नहीं किया गया है तो कोई भी व्यक्ति जो है इस केस से छूट सकता है, यानी बाहर आ सकता है। दोस्तों सेक्शन 50 जो है वो ये कहता है कि किसी भी अभियुक्त को अगर पकड़ा गया है और उसकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का ड्रग या फिर कोई नारकोटिक्स का आइटम है या फिर कोई दवाई या कोई गांजा चरस हेरोइन कुछ भी है जो कि बैंड है, उस तरह की अगर कोई चीज़ उसके सब्सटेंस उसके बॉडी के अंदर है तो दोस्तों उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद में सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि जो भी व्यक्ति उसे पकड़ रहा है पुलिस का, वो उसे इस बात को बताएगा कि आपकी जो तहकीकात है, जो आपकी जो सर्च है, वो किसी भी गजेटेड ऑफिसर के सामने ली जा सकती है या फिर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने ली जा सकती है। और दोस्तों उसे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि अगर आप चाहें तो आप ना कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप जो है गजेटेड ऑफिसर से या फिर मजिस्ट्रेट से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन या जांच करवाएंगे। अगर दोस्तों वो ये व्यक्ति कह देता है कि नहीं, मुझे तो आप ही अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन या मेरी सर्च करना चाहें तो कर लें, उसके बावजूद भी दोस्तों उस आईओ का या जो इंस्पेक्टर है या जो भी कोई पुलिस वाला है उसका ये फ़र्ज बनता है कि उस व्यक्ति को गजेटेड ऑफिसर या फिर पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और वहाँ उसकी तहकीकात करे। दोस्तों इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के पास में साथ में कोई बैग है तो जो बैग की जो सर्च है उस बैग की सर्च करने के लिए मजिस्ट्रेट या फिर गजेटेड ऑफिसर का होना ज़रूरी नहीं है एज़ पर सेक्शन 50, लेकिन उसकी बॉडीली अगर पार्ट में किसी भी तरह की कोई चीज़ छुपाई गई है तो वहाँ पर जो है उसे मजिस्ट्रेट या फिर गजेटेड ऑफिसर के सामने पेश करके उसकी तहकीकात या उसकी इंक्वायरी या सर्च करना आवश्यक है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने उस व्यक्ति की तहकीकात इंक्वायरी या फिर सर्च जो है बिना मजिस्ट्रेट साहब के सामने या गजेटेड ऑफिस के सामने कर ली और इस बात को कहते हुए कर ली कि अभियुक्त ने ही कहा था कि आप मेरी जो है इन्वेस्टिगेशन या सर्च कर सकते हैं, मुझे मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले या जज साहब के सामने नहीं करानी है, गजेटेड ऑफिस के सामने नहीं करानी है, तो भी दोस्तों उसे इस बात का लाभ मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, यानी कन्विक्शन उसका होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आपको पूछना ही है, और पूछना नहीं है आपको उसके सामने ही करानी है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने या फिर गजेटेड ऑफिसर के सामने ही करवानी है। दोस्तों इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर आपने ये नहीं कराई है, भले ही आपने अभियुक्त को बता दिया था, फिर भी जो है वहाँ पे उस चीज़ का बेनिफिट जो है अक्यूज को दिया गया। उस जजमेंट का नाम है दोस्तों दिलीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और दूसरा जजमेंट है दोस्तों स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस परमानंद। तो दोस्तों ये जो कंप्लायंस है ये नेसेसरी है, ये मस्ट है, इसका अगर आपने कंप्लायंस आईओ ने नहीं किया है तो अभियुक्त को जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एनडीपीएस के सेक्शन में जब भी इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन है तो ऑन द स्पॉट जो है उस आइटम की क्वांटिटी, उसके अलावा उसका सीजर मेमो, वज़न और उसकी जो पुलिंदा वगैरह है वो उसी स्पॉट पे ही बनेगा। यानी कि अगर आपने स्पॉट से अलग हटके अगर कोई उसके ऊपर में कार्रवाई की है तो वहाँ पर भी जो है डाउट वो अभियुक्त के पक्ष में चला जाएगा, यानी एक्यूज्ड के पक्ष में चला जाएगा। आपको टोटल इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो सीजर मेमो है, गवाहों के जो बयानात हैं और भी जो साइट प्लान है,
जिसको मौका वारदात का जो नक्शा कहते हैं, वो इस तरह की हर चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको ऑन द स्पॉट ही करवानी है। आप स्पॉट से हट के अगर आप थाने में ले जाके करते हैं उसकी जब सारी की सारी इंक्वायरी फर्दर जो होती है, तो आपको उस केस में अभियुक्त को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन 50 के तहत में जो है कंप्लाइंस अगर नहीं की है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो दोस्तों उसका सारा का सारा बेनिफिट जो है वो अभियुक्त को मिलेगा। तो ये था सेक्शन 50 NDPS के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।